नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बी एम टेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान स्टेट एग्जाम्स विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है अनअकैडमी पे, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विज मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। दोस्तों डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और डाउट्स पूछ सकते हैं और पोल में आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट और क्विज की अगर बात करें दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और क्विज भी दे सकते हैं, उनका डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। और दोस्तों अगर स्ट्रक्चर कोर्सेज की अगर बात करें, तो जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे अवेलेबल है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर किए गए हैं लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में, वो भी आपकी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और एक्सेस की अगर दोस्तों बात करें, तो एक बार सब्सक्रिप्शन अगर आपने खरीद लिया तो उसके बाद चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कितनी भी डिवाइस पर कितनी भी बार आप बिल्कुल ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल पर किसी भी समय किसी भी जगह अध्ययन कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों कि आप बस के अंदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड के रूप में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अपनी सभी कक्षाओं के बाद में आप क्लास नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल क्लास नोट्स दिए जाएंगे। प्रत्येक चौथी क्लास के बाद में डाउट क्लियरिंग सत्र भी चलेगा, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित सभी आपके डाउट को दूर किया जाएगा। दोस्तों अगर फ्री प्लान के लिए देखो, अनअकैडमी का फ्री प्लान क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप 50-50 एजुकेटर्स को चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, 500+ फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक मिलेगी दोस्तों, और वो भी विथ डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ मिलेगी। वीकली मॉक टेस्ट होंगे और फ्री लाइव क्विज रहेगी, जिसके अंदर 20,000+ क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और T20 क्विज जो 20 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट के अंदर, वो क्विज भी आप क्रिएट कर सकते हैं, दे सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों इसके लिए आप डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप को कर सकते हैं, और उसको अनलॉक करने के लिए आप ये कोड जरूर ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें तो आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, तो वो KAJLA लगा ले, बिल्कुल आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों प्ले स्टोर से आपने अगर अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, इसमें बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाली है आपको, और वो भी फ्री में मिलने वाली है। ये करने के बाद दोस्तों आपसे मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, मोबाइल नंबर लगाने के बाद OTP आएगा, OTP लगा के और मैनेज गोल्स के अंदर जाके आप स्टेट PSC सिलेक्ट कर ले, स्टेट PSC के अंदर RPSC सिलेक्ट करें। RPSC सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों RPSC के ऊपर जैसे यहाँ पर 3 लाइन बनी होती है, उन पर क्लिक करेंगे तो प्लस कोर्स फ्री लाइव क्लासेज और अदर कोर्स आएगा, तो फ्री लाइव क्लासेस सेलेक्ट कर लें। और फ्री लाइव क्लासेस पहली बार देख रहे हैं तो आपसे क्या मांगा जाएगा, आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा और वो काजला यूज करें, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों बता देते हैं आपको फ्री क्लास और प्लस क्लास के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फ्री क्लास में लिमिटेड सिलेबस कवर किया जाएगा, ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ओकेजनल PDF और नोट्स मिलेंगे, लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन होगा। लेकिन प्लस क्लास के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड PDF और नोट्स मिलेंगे, और जितनी भी आपकी डाउट है वो बिल्कुल इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हल की जाएगी, क्लियर है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको प्लस कोर्स खरीदना है, और जैसे ही आप कोई भी प्लस कोर्स खरीदते हैं तो दोस्तों इसके अंदर रेफरल कोड ये KAJLA डालना ना भूलें, क्योंकि ये डालते ही आपको बिल्कुल 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अपन RPSC सब्सक्रिप्शन के बारे में दोस्तों बात करें, तो RPSC सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का 1400 रुपये का है, 3 मंथ के लिए 3500 का है, और 6 मंथ के लिए 5600 का है। लेकिन दोस्तों आपको खरीदना है 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन, 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ही क्यों खरीदना है दोस्तों, मात्र 7000 रुपये के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि 1 महीने या 3 महीने के अंदर तैयारी कंप्लीट नहीं की जा सकती, और अगर आप बार बार खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए आप एक बार में ही खरीदें और अंतिम बार खरीदें इस सोच के साथ खरीदें। इसमें भी 10% डिस्काउंट होने के बाद दोस्तों आपको 6300 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, और 300 रुपये और कम कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास कॉइन पड़े तो वो कॉइन रिडीम करा सकते हैं। रिडीम कराने के बाद बिल्कुल 6000 से भी कम में ये सिलेबस आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो 1 महीने का चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करके 1400 रुपये और 8400 रुपये के अंदर बिल्कुल 2 साल का बेहतरीन सिलेबस ले सकते हैं आप, और इसके अंदर भी 10% ऑफ होने के बाद 7560 के अंदर बिल्कुल आपको
2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 560 के आपके पास कॉइन पड़े हैं तो वो रिडीम करा के 7000 के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल 1 महीने के खर्चे के अंदर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर 2 साल तक आप अनअकैडमी के साथ बने रहते हैं तो दोस्तों ऐसा होगा ही नहीं कि आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो, आपके बिल्कुल एग्जाम सारे क्लियर होंगे, और इसके अंदर आप जितनी भी कैटेगरी है वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफरल कोड का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, इससे आपको बिल्कुल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों जो नए बैच है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक ही आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कितने बैच मिलने वाले हैं? रीट लेवल फर्स्ट का जो बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है, 2 महीने का बैच है, और रीट लेवल 2 का ये बैच भी इसी सिलेबस में मिल जाएगा आपको, ये भी 1 फरवरी से स्टार्ट है। आरएस का जो फाउंडेशन कोर्स है वो 12 महीने का है दोस्तों, प्री और मेंस का बैच है, ठीक है ना, ये भी 1 फरवरी से स्टार्ट है, 12 महीने का सिलेबस है। और दोस्तों अगर आप ऐसे खरीदते हैं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन किसी दूसरी कोचिंग से तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, यानी इसका 10 गुना मान के चल सकते हैं आप। और आरपीएससी एसआई का जो एग्ज़ाम है इसका सब्सक्रिप्शन भी दोस्तों आपको इसी में मिलने वाला है, 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, 7 महीने का कोर्स है। और दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ये सब्सक्रिप्शन ऐड किए जाने बाकी है अभी, तो ये ऐड किए जाएंगे, तो इससे सब्सक्रिप्शन महंगा भी हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल ये मेरा रेफरल कोड KAJLA यूज करके और आप जल्दी फटाफट आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं जिससे आप बेनिफिट पा सकें। क्लियर है दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव है फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी लाइव आ सके। हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इफ ये ऑफिशियल लेटर, आपके नोटिस, टेंडर, ऑफिशियल लेटर, ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाएंगे आपको ACF के अंदर, ACF या हाईकोर्ट LDC की एग्जाम होने वाली है दोस्तों, उसके अंदर उसके लिए भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए आप अभी से तैयारी रखें, चाहे RPSC LDC हो, चाहे हाईकोर्ट LDC हो, ACF हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, इनके अंदर दोस्तों ये टॉपिक, लेटर का टॉपिक आता है, इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे रिपीट क्वेश्चन का सेशन चलने वाला है आज। RPSC में जितने रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं, कल का जो सेशन आपने देखा होगा उसके बाद आपकी डिमांड के कारण ही दोस्तों दूसरी क्लास ली गई है। इस क्लास लेने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इफ यू डोंट नो द रेसिपियंट्स नेम, हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन एंड क्लोज द लेटर? डियर सर एंड डियर मैम, मैडम, योर फेथफुली, माय डियर विथ लव, या डियर मिस्टर या मिसेज, योर सिंसियरली, हेलो, अफेक्शनेटली योअर्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो ये बताएं आप। आज टाइमर नहीं है दोस्तों इसलिए। हाँ, तो दोस्तों इसमें आंसर कौन सा आएगा? आप डियर सर या डियर मैडम, फिर नीचे क्या लिख सकते हैं? योर फेथफुली लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करें, बिल्कुल यही आएगा, ये नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिए अगर आपने लेटर देखा है तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए सर्कुलर टू इन्वाइट सेलर्स टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन, इन्वाइट अप्लीकेशन इन ऑफिस टू इन्फॉर्म इम्प्लॉयज? हाँ दोस्तों, आज टाइमर नहीं लगा हुआ है तो आप बिल्कुल आंसर दे, फटाफट आंसर दे दोस्तों। हाँ, ये LDC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, सर्कुलर देखो, इनमें से विच ऑफ द ये इज नॉट ए फंक्शन, ये जरूर ध्यान रखे दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार गलती कर देते हैं आप, ठीक है ना। तो सर्कुलर का क्या क्या फंक्शन होता है? ये फंक्शन इंफॉर्मेशन पहुंचाने का फंक्शन होता है, इनवाइट एप्लीकेशन इन ऑफिस ये भी फंक्शन होता है, इन्फॉर्म इम्प्लॉयज ये फंक्शन भी होता है। तो ये फंक्शन इनवाइट सेलर्स के लिए दोस्तों किसका यूज किया जाता है? टेंडर का यूज किया जाता है, न कि सर्कुलर का यूज किया जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर क्लिक करें। क्लियर है दोस्तों? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये क्लियर है तो। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ए कंपनी नीड टू इन्फॉर्म ऑल इट्स कस्टमर्स अबाउट ए चेंज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट हैपनिंग इन द कंपनी, विच ऑफिशियल लेटर ओट टू बी चूजन? कौन सा लेटर आप ऑफिशियल लेटर चूज करेंगे इसके लिए? लेटर, सर्कुलर, मीमो या एजेंडा?
हाँ, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से आंसर देना है। ये भी एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, ये पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा लेटर होता है जिसमें सब कस्टमर को, कंपनी के अंदर जितने कस्टमर होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है इम्पोर्टेंट नोटिस या इवेंट हैपनिंग के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं? लेटर नहीं बोलते दोस्तों, मीमो नहीं बोलते हैं, एजेंडा नहीं बोलते हैं, सर्कुलर बोलेंगे। एजेंडा तो आप कहीं मीटिंग के अंदर यूज करते हैं, मीमो किसी केस मीमो सुना होगा आपने, लेटर सुना होगा। सर्कुलर क्या होता है दोस्तों? इन्फॉर्मेशन पहुंचाने, यानी जो भी घटना घटित होती है कंपनी के अंदर, तो वो सर्कुलर जारी कर दिया जाता है ताकि जितने भी उसमें कर्मचारी काम करें उनको सबको पता लगे। क्लियर है दोस्तों? छुट्टी के लिए भी स्कूल के अंदर करते थे, सर्कुलर घुमाते थे हर क्लास के अंदर, तो वही सर्कुलर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नोटिसेस शुड बी ब्रीफ एंड फॉर्मल, लॉन्ग एंड वर्डी, शॉर्ट एंड इनफॉर्मल और इनडायरेक्ट। ये भी एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, तो आप फटाफट आंसर दें दोस्तों। जो भी दोस्त लाइव हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। बिल्कुल, ये क्लास आज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल 2 क्लास के अंदर अगर आपने ये लगभग 52-53 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लिए तो ACF या LDC के अंदर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसमें नोटिसेज, नोटिस के अंदर क्या होता है कि यानी फॉर्मल होता है नोटिस, और उसके अंदर सूचनाएं वो संक्षिप्त रूप में लिखी जाती हैं, तो लॉन्ग और वर्डी ये तो नहीं होगा, शॉर्ट एंड इनफॉर्मल नहीं होगा, शॉर्ट तो होगा ठीक है ना, और इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर ब्रीफ एंड फॉर्मल एक ही ऑप्शन बचता है, ये आंसर कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन वी बिगिन ए लेटर विथ डियर सर एंड डियर मैडम, और डियर सर या मैडम, विल एंड इट विथ योर्स फेथफुली, योवर फेथफुली, योवर सिंसियरली, योवर लविंगली। हाँ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से आपको सही चूज करना है दोस्तों। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, लाइक और थम्सअप जाते वक्त कर देना आप, बिल्कुल आपके दोस्तों को भी फायदा हो। जो भी ACF की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को जरूर देखे दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए ये क्लास। हाँ तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था, कल जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आज LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, योवर्स फेथफुली कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, योवर्स फेथफुली करें यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, कर दिया ये आंसर सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ऑफिशियल लेटर। क्लियर डिटेल्स, पोलाइट वर्ड्स और जार्गन्स, इनफॉर्मल वर्ड्स। हाँ दोस्तों, इसमें जार्गन सही है, GAR है, GCPT हैंडराइटिंग होती है ना, जार्गन्स जो समझ में कम आती है। हाँ, ऑफिशियल लेटर के अंदर पोलाइट वर्ड्स लिखे जाते हैं, क्लियर डिटेल लिखी जाती है, फॉर्मल वर्ड लिखे जाते हैं, लेकिन जो GCPT है, जो न समझ में आने वाली हैंड राइटिंग, वो नहीं लिखी जाती है दोस्तों। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लैंग्वेज इन ए लेटर शुड बी वर्डी एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनफॉर्मल, ऑब्जेक्टिव एंड वेरी क्लियर और एम्बिग्यूस। हाँ, टेंडर की लैंग्वेज कैसी रहती है दोस्तों? ठीक है, ये भी LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, तो आप इन ऑप्शन में से आंसर दें दोस्तों। दोस्तों, सुबह 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, और वो भी RPSC कैटेगरी में स्पेशल क्लास होती है, वो केप की बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और शाम को 4:30 बजे यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर क्लास रहती है, जिस चैनल पे अभी आप क्लास देख रहे हैं उस पे 4:30 बजे रोज लाइव क्लास रहती है, और 9:55 ये दोनों क्लास जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो देखो दोस्तों, किसी भी लेटर हो, टेंडर हो, सर्कुलर हो, इसके अंदर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इनफॉर्मल का नहीं, एम्बिगुअस नहीं किया जाता, क्लियर लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और ज्यादा वर्डी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जार्गन होता है दोस्तों, तो ये यूज नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड वेरी क्लियर यूज किया जाएगा। ये कल भी आई थी दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन था।
हाँ इसके अंदर इन्फॉर्मल, यहाँ एम्बिगुएस, ये कुछ चेंज था। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी अपने दो क्लास लिए, दो क्लास के अंदर भी रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट होंगे। और ज़्यादा जो रिपीट, ज़्यादा रिपीट हुए थे वो क्वेश्चन मैंने बाहर कर दिए हैं, लिए नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ए पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग्स इन ए ऑफिशियल लेटर इज कॉल्ड अटेंशन लाइन, हेडिंग, सैल्यूटेशन और आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये भी आरपीएससी एलडीसी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? हाँ पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स आ जाए दोस्तों और ऑफिशियल लेटर का नाम आ जाए तो एक ही वर्ड यहां पर बचेगा, वो क्या होगा? सैल्यूटेशन। ठीक है ना, अटेंशन लाइन नहीं होगा, हेडिंग नहीं होगा, हेडिंग तो ऊपर ऊपर लिखते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होगा, सैल्यूटेशन ही होगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, क्लियर है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम खराब ना हो, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिमिटेड दिन बचे हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने संक्षिप्त लेक्चर बना के और आपको डिलीवर कर रहा हूँ। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर? क्लियरिटी, ब्रेविटी, सिंप्लिसिटी और वर्बोसिटी। हाँ इसमें क्या आंसर आएगा? ऑफिशियल लेटर के अंदर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? शुड नॉट, ये दोस्तों नॉट का जरूर ध्यान रखना, क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, और वो भी ऑफिशियल लेटर में। क्लियरिटी ऑफिशियल लेटर में होनी चाहिए, और जो आपको बात करनी है वो बिल्कुल संक्षिप्त सटीक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो इसका मतलब वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्दाडंबर, यानी शब्द बाहुल्यता नहीं होनी चाहिए, यानी आडंबर पूर्वक वर्ड नहीं होनी चाहिए, वर्बोसिटी कर देंगे इसको आंसर, वर्बोसिटी होगा, क्योंकि नोट आया है, अदरवाइज ये तीनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन अगर ये नोट नहीं देता और चौथा ऑप्शन देता अबव ऑल, तो ऑल पे आप क्लिक करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इन बिजनेस लेटर सब्जेक्ट इज रिटन बिलो द सैल्यूटेशन, बिफोर योर सिंसियरली एटसेट्रा एट द टॉप राइट एट बॉटम लेफ्ट। हाँ बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है? ये लिखा जाता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल नीचे नीचे आएगा, यहाँ सब्जेक्ट थोड़ी लिखा जाएगा, टॉप राइट में भी नहीं लिखा जाता और बॉटम लेफ्ट में। बॉटम वाला तो ये तो दो ऑप्शन छोड़ ही दें आप। अब टॉप राइट में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? और टॉप राइट में एड्रेस लिखा जाता है, यहाँ पर बिलो द सैल्यूटेशन लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। वेयर डू वी राइट द सेंडर्स नेम इन ए फॉर्मल लेटर? टॉप राइट हैंड साइड, बॉटम राइट हैंड साइड, टॉप लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम राइट हैंड है ये, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सेंडर का नाम कहाँ लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में? तो दोस्तों वो देखो बॉटम बॉटम वाले ऑप्शन तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो नहीं लिखे जाएंगे। अब टॉप में लिखा जाएगा, लेकिन टॉप में राइट में लिखा जाएगा, लेफ्ट में लिखा जाएगा, कौन सी जगह लिखा जाएगा? तो यहां पर करें दोस्तों टॉप लेफ्ट हैंड साइड, ऑप्शन सी आएगा यहां पर। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ये हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट डू यू मीन बाई डीओ लेटर? ठीक है ना, डमी ऑफिशियल लेटर्स, डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर्स, डिसाइकल ऑफिशियल लेटर्स। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? हाँ डीओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। आपके लेटर के जितने टाइप हैं उनमें ही एक शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं। हाँ यहाँ होगा डेमी ऑफिशियल लेटर, डी फॉर डेमी, ओ फॉर ऑफिशियल, आगे लेटर्स लिखा हुआ है, डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर ये नहीं होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हाँ फिल इन द ब्लैंक इज यूज व्हेन सम इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और एन इंटरनली टेकन डिसीजन इज टू बी सर्कुलेटेड टू द स्टाफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लाइंस, टेंडर, नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट और सर्कुलर।
हाँ, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इनमें से कौन सा वर्ड आएगा? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पहुंचानी है आप, ठीक है ना। इंटरनली जो डिपार्टमेंट बैठता है वो डिसीजन लेके और एक लेटर जारी करता है, और वो लेटर सर्कुलेट किया जाता है सब स्टाफ मेंबर्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं आप? सर्कुलर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। कोटेशन फॉर द पर्पज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स आर इन्वाइटेड बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, आफ्टर सप्लाइंग ऑफ गुड्स, अपॉन कैंसिलेशन ऑफ आइटम्स, आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या आएगा दोस्तों आंसर? हाँ, कोटेशन का पर्पज क्या होता है, कब ये जारी किया जाता है? हाँ देखो, आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं जारी किया जाता। आप कोटेशन कब बनवाते हैं दोस्तों? जब आपको कोई सामान खरीदना होता है तब आप क्या करते हैं, पहले कोटेशन बनवाते हैं, ठीक है ना। तो बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस होने से पहले ही क्या किया जाता है, कोटेशन देखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद तो बेनिफिट भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद तो रिसिप्ट देखें आप। द लैंग्वेज इज फॉर्मल राइटिंग शुड बी फ्लैटरिंग, इम्पर्सनल, पर्सनल और फ्लावरी। हाँ, इसमें फॉर्मल राइटिंग कैसी लिखी जाती है, यानी चापलूसी और जो पर्सनल नहीं हो, और ये पर्सनल है और फ्लॉवरी। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर वो किसी पर्सनल विशेष पर्सन विशेष के लिए नहीं लिखी जाती है, इसलिए इम्पर्सनल करें आप। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। इनफॉर्मल लेटर आर रिटन टू बिजनेस हाउसेज, एडिटर्स, फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन हेड्स। इनफॉर्मल लेटर का किसको लिखे जाते हैं, ठीक है ना, बिजनेस हाउसेज को, एडिटर को, फ्रेंड को और इंस्टीट्यूशन हेड्स को। हाँ फटाफट आंसर दे दोस्तों। हाँ आज टाइमर नहीं लगाया है, क्योंकि टाइमर लगाते तो फिर टाइम ज्यादा लगता, तो थोड़े टाइम के अंदर ही आंसर करेंगे आज। हाँ तो यहां पर आंसर क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है दोस्तों? फ्रेंड्स को लिखा जाता है। देखो फ्रेंड्स को लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, जो स्टाफ में आपसे बड़े होते हैं उनके लिए लिखा जाता है, ऑफिस के लिए लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, सैल्यूटेशन, हेडिंग, डेट एंड टाइम, कॉन्टेक्ट, पर्सनल एड्रेस, ठीक है ना। तो यहां पर ये नोट का स्पेशली ध्यान रखना है, और वो नोटिस में दोस्तों, नोटिस में कौन सी चीज होती है और कौन सी चीज नहीं होती नोटिस में, देखो। हाँ फटाफट आंसर दें आप, पहले आप आंसर दे दें। और दोस्तों जिन्होंने शेयर नहीं किया क्लास को, शेयर जरूर करें। और सुबह 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर वॉकेप की क्लास होती है, 4:30 बजे यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर ग्रामर की क्लास, तो दोनों क्लास जरूर देखें दोस्तों, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। हाँ तो इसके अंदर देखो, नोटिस में हेडिंग होती है, डेट एंड टाइम होता है, और कॉन्टेक्ट पर्सनल एड्रेस होता है, जिस पर्सन से आपको कॉन्टेक्ट करना है उसका एड्रेस भी होता है, तो सैल्यूटेशन ये नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करेक्ट हेडिंग ऑफ ए लेटर कंसिस्ट ऑफ द रिसीवर्स एड्रेस एंड डेट, द राइटर्स एड्रेस एंड डेट, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर एंड डेट, द डेट ओनली। क्या क्या चीज लिखी जाती है, ये फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 के अंदर। हाँ तो यहां पर क्या आंसर आएगा दोस्तों? हाँ हेडिंग में क्या लिखा जाता है, राइटर, एड्रेस एंड डेट लिखी जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द बॉडी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर्स कंटेन, डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, जनरल रेफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द रेसिपियंट, इंक्वायरी अबाउट द रेसिपियंट्स हेल्थ, गुड विशेज फॉर द फैमिली ऑफ द रेसिपियंट। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन कल कर चुके हैं अपन, कि ऑफिशियल लेटर की बॉडी के अंदर क्या चीज आनी चाहिए।
हाँ देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। इंक्वायरी अबाउट रेसिपिएंट्स हेल्थ और गुड विशेज ऑफ फैमिली, ये बॉडी पार्ट में नहीं पूछा जाएगा ऑफिशियल लेटर में। तो यहाँ पर पूछा जाएगा डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। आपने जिस जो लेटर किस पर्पज से भेजा है उसके अंदर ब्रीफ और डायरेक्ट बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन एक नंबर क्लिक करें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। क्लियर है ना? जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन ए लेटर टू ए फ्रेंड। योवर्स सिंसियरली, यू सिंसियरली, योवर्स सिंसियरली, योवर सिंसियरली। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ये कल भी कर चुके थे अपन क्वेश्चन। देखो ये तो यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। और यहाँ पर ये ऑप्शन दोस्तों अपोस्ट्रोपी एस वाला, ये भी बेकार है। यहाँ पर आएगा योवर सिंसियरली। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। करेक्ट वे वे ऑफ राइटिंग द डेट इन लेटर इज 11 जून 2016, जून 11 2016, जून 11 2016। ये तो दोनों ऑप्शन हो गए हैं। एक यहाँ इसको हटा दें, फिर है जून द 11th of 2016। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैसे डेट लिखते हैं दोस्तों, यानी लेटर राइटिंग के अंदर डेट वाला सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर क्लिक करें आप 3 नंबर ऑप्शन को, क्योंकि मैंने टिक किया तो ये मिटाया कोमा, तो आप समझ गए कि आंसर यही होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। एट द क्लोज ऑफ ए फॉर्मल लेटर विच बिगिंस विथ डियर सर एंड मैडम, वन मस्ट राइट योवर्स, योवर सिंसियरली, योवर्स फेथफुली, योवर्स फेथफुली। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं अपन, अब गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट अभी जो क्वेश्चन किया था एक क्वेश्चन से पहले, वही सेम क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, सुबह वाली क्लास का भी जरूर ध्यान रखें। 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है आरपीएससी कैटेगरी में, तो आप ज्वाइन करें या अपने दोस्तों से ज्वाइन करवाएं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है वोकैब की। और शाम को 4:30 बजे ग्रामर की क्लास रहती है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, वो क्लास भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? ये बिल्कुल सही है आपका सबका। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों इस रेफरल कोड से अगर आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो बिल्कुल 10% ऑफ मिलेगा, और फिर कॉइन रिडीम करा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टोन एंड स्टाइल ऑफ ए बिजनेस लेटर शुड बी स्कॉलरली एंड इरुडाइट, फुल ऑफ इंप्रेसिव स्माइल्स एंड मेटाफर्स, फ्रेंडली एंड कॉर्टियस, वेग एंड अब्स्ट्रक्ट। हाँ, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखो ये वैग या एम्बिगुएस, ये जहां भी आता है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है किसी भी में, किसी भी लेटर में नहीं होगा। फुल इंप्रेसिव स्माइल्स मेटाफर्स ये भी यूज नहीं किए जाते हैं। स्कॉलरली इरुडाइट और फ्रेंडली एंड कॉर्टियस में ध्यान रखें। तो यहाँ पर टोन एंड स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के अंदर दोस्ताना भाव जरूरी होता है दोस्तों, इसलिए आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। लेटर ऑफ इनविटेशन ऑफ पार्टीज, बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड फैमिली गेट टुगेदर्स आर सोशल, फॉर्मल, इंडिफरेंट और पर्सनल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों दोस्त इसमें आप प्रायोरिटी अगर दें तो इस ऑप्शन को देनी चाहिए, बाकी ये डिलीट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप है, यानी आरपीएससी ने भी क्या किया था, ये क्वेश्चन डिलीट किया था, इसका कोई आंसर नहीं दिया है। क्लियर है? क्योंकि पर्सनल और आप फॉर्मल कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना? तो एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए आप कोई ऑप्शन ना करें, ये डिलीट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ए गुड रिपोर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम क्लियरिटी, कंसाइसनेस और फैट्स लीडिंग टू ए कंक्लूजन, पर्सनल बायस एंड प्रिजुडिशियस। हाँ, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? गुड रिपोर्ट शुड बी, रिपोर्ट के अंदर ये क्या चीज यूज की जानी चाहिए? हाँ
हाँ इन चीज़ों से फ्री फ्रॉम होती है, यानी ये चीज़ें यूज नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज़ यूज नहीं होनी चाहिए? क्लियरिटी यूज होनी चाहिए, कंसाइसनेस यूज होनी चाहिए, हेट लीडिंग टू ए कंक्लूजन जरूरी होना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ यानी पक्षपात यूज नहीं होना चाहिए, पर्सनल पक्षपात यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हाँ डियर मिस्टर सिंह, विल यू एंड मिस्टर सिंह गिव अस द प्लीजर ऑफ योर कंपनी एट डिनर ऑन थर्सडे नेक्स्ट द 20th at 8 PM। योर सिंसियरली राजीव चौधरी। दिस इज एंड एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल ऑफ ए बिजनेस लेटर, ए फॉर्मल लेटर, एन इनफॉर्मल लेटर, ए ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। हाँ इसमें ए यहाँ रख दें, ए बिजनेस लेटर, ठीक है ना? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? क्लियर है दोस्तों? हाँ ऐसे ही देखो दोस्तों, इसके अंदर बात चल रही है पार्टी से रिलेटेड, तो आप बिजनेस लेटर तो नहीं हो सकता, बिजनेस लेटर हटा दें। फिर है ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन, ये भी नहीं होगा। सिर्फ आप क्या करें, इसको इनफॉर्मल लेटर कर दें। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों के बीच में इनफॉर्मल लेटर चलता है, ना कि फॉर्मल लेटर चलता है, फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन योवर्स फेथफुली। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना आप, पक्का मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर लेटर का क्वेश्चन पूछा हो और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आंसर क्या आएगा? योवर्स फेथफुली आएगा, ठीक है ना? ये बिल्कुल कई बार आ चुका है, कल से यानी लगभग अपन ने 53-54 क्वेश्चन किए हैं, इनके अंदर भी 5 बार पूछा जा चुका है और 5 एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, एचसीएफ के लिए बिल्कुल ये क्लास रामबाण साबित होगी। जो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगी। यानी जिसके अंदर ओपीसी लेटर का टॉपिक आता है और ये क्वेश्चन नहीं आए, हो नहीं सकता। आरजेएस के अंदर पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया, हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों एक तो क्लास का टाइम जरूर ध्यान रखें, 9:55 पे सुबह अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है और 4:30 बजे यूट्यूब पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर ग्रामर की क्लास होती है। दोस्तों अगर आपने ये आरपीएससी कैटेगरी में होती है, ये भी ध्यान रखें, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लें। आप प्ले स्टोर में जाके और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा स्टार्ट लर्निंग विथ यूपीएससी सीबीएसई। आपको ऑप्शन देखना है स्टेट पीएससी का, स्टेट पीएससी और 19 लिखा हुआ मिलेगा आपको। इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे तो स्टेट पीएससी खुल जाएगी। लास्ट लास्ट ऑप्शन आरपीएससी दिखेगा, आरपीएससी सेलेक्ट कर लें और उसके बाद हिंदी सेलेक्ट करें। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद मेन स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आरपीएससी दिखेगा दोस्तों। तो इस आरपीएससी पे यहाँ क्लिक करेंगे तो प्लस कोर्स, फ्री क्लासेज और अदर कोर्सेज सेलेक्ट कर लें। ये सेलेक्ट करने के बाद आरपीएससी में आगे जो सर्च वाला ऑप्शन है, इसमें मेरा नाम डाल देना, महेश काजला। हाँ इस क्लास के बाद में भी आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। इसको मेरे नाम को सर्च करेंगे तो यहाँ एक आइकन खुलेगा जिसमें फॉलो लिखा होगा, फॉलो कर लें। फॉलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ छोटे छोटे सेशन खुल जाएंगे, स्पेशल सेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब। इनको क्लिक करेंगे तो आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, अनलॉक कोड KJLA लगा दें, यही अपना रेफरल कोड है, यही अनलॉक कोड है। और उस क्लास को लगातार आप 30 मिनट तक देखें, उसके बाद आप 9:55 पे बिल्कुल लाइव आएंगे दोस्तों, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जो भी दोस्त एचसीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने हो सकते हैं उतने लाइक करें। इस क्लास की बिल्कुल हिस्ट्री बना दें दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ क्लास बना सकते हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के। जो नए बैच अनाउंस हुए हैं अनअकैडमी की तरफ से, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये आरपीएससी आरएएस का फाउंडेशन बैच है जो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा और 30 जनवरी को क्या होगा, एंड होगा। यानी पूरे 12 महीने का सिलेबस है दोस्तों इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा गाइड किया जाएगा, कंप्लीट प्रीमेंस लेवल करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रिवीजन और पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली क्विज रहेगी। क्लियर है दोस्तों? और ये आपका बैच आरपीएससी
एसआई के लिए जो बैच है वो भी 1 फरवरी से स्टार्ट है, ये 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर ये फैकल्टी पैनल है, बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली क्विज रहेगी। और दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट के लिए है ये बैच भी, 1 फरवरी से स्टार्ट है, 22 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट बैच है, तो यहाँ पर भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा गाइड किया जाएगा, रिविजन क्लास होगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली क्विज रहेगी। और दोस्तों ये रीट लेवल 2 के लिए है, सोशल स्टडीज़ का जो बैच है, तो अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ये 3 महीने का बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, यानी आरपीएस से सब्सक्रिप्शन लेने में बिल्कुल आपको ये बैच फ्री मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा रेफरल कोड है KAJLA, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और 10% डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। दोस्तों चाहे आप आरपीएससी में यूज करें, अगर आरपीएससी में आप यूज करते हैं तो आपको आरएएस का बैच मिल जाएगा। दोस्तों आरपीएससी में अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आरएएस है, एससीएफ है, पटवार है, रीट है, ठीक है ना, और जो भी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, एसआई है, ठीक है ना, सब के लिए सब्सक्रिप्शन आप एक ही फीस के अंदर ले सकते हैं। तो जल्दी करें दोस्तों, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन ऐड करने के बाद इसकी फीस भी बढ़ सकती है। और दोस्तों यही रेफरल कोड आप एसएससी में यूज़ कर सकते हैं, यही आप बैंक में यूज़ कर सकते हैं, एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले, बैंक का ले, डिफेंस का ले, आईआईटी का ले, नीट का ले, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों, अनअकैडमी पे अवेलेबल कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं आपको बिल्कुल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों दिस इज़ योर अनअकैडमी एंड सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद दोस्तों।